सरहद गुट की मौजूदा सांसद और बारामती सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी ने बारामती से एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतारा है। ननन भरसे भाभी के मुकाबले पर क्या बोली सुप्रिया सुले? एनसीपी एससीपी की बारामती से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने कहा, मेरा काम मेरी योग्यता देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मेरे साथ जरूर खड़ी होगी। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, इसलिए मुझे लगता है कि प्रशासन को आज इस सूखे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मेरा काम देख के, मेरा मेरिट देख के बारामती की माई बाप जनता जरूर मेरे साथ खड़ी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दादा ने लेकिन एक अपने भाषण में कहा है कि मैं आपको बहुत पढ़ने दूंगा आप, लेकिन उसके बदले मुझे ठकाठक वोट दिए, लगातार वोट देते बटन दबाते रहिए। एक तरह से प्रलोभन दिया गया है फंड का मतदाताओं को, क्या एनसीपी आपकी पार्टी शिकायत करेगी इसके खिलाफ? आप ही के चैनल से मैं बहुत सारा कल आ चुका है और उस पे बोलने की क्या टिप जरूरत मुझे नहीं लगती, क्योंकि अभी इस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की। पानी में बहुत सारी जगह है, किसान है, पीने का पानी है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो गई है। तो मेरे ख्याल से प्रशासन ने आज ये जो सूखा पड़ा है उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। महायुति के तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हुए नामांकन में, उनकी तरफ से आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ दावेदारी खिलाफ वो तमाम लोग खड़े हो गए? लेकिन मेरे खिलाफ तो देश के सारे ही खड़े हुए, वही तो कह रहे हैं पूरा देश के जो विरोधी है वो सारे मेरे खिलाफ एक हो ही चुके हैं। नहीं, आप तय कर लीजिए, ये चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं वो आप फडणवीस कह रहे हैं, कौन कह रहा है मुझे पता नहीं। कौन सी कॉन्स्पिरेसी भैया, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। एक बात है, महिलाओं के बारे में कह रहे हैं कि कल मेडिकल काउंसिल का प्रोग्राम था इंदापुर में, वहाँ पे भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जो सेक्स रेशो कम हो रहा है, मेल फीमेल रेशो वो कम हो रहा है, तो ऐसा ना बता जाए कि महिलाओं को द्रौपदी होना पड़े, तो किस तरह से देखने से कहा आपत्तिजनक बयान? रामकृष्ण हरी वाजवा तुतारी, मैं देखूं, मैंने तो स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन मैंने ही छेड़ा था, क्योंकि स्त्री भ्रूण हत्या इस राज्य में बढ़ रही थी। उससे पहले मैंने एक बड़ी पदयात्रा की थी और हर बेटी इस देश में जो पैदा होती है उसके खिलाफ जो हो रहा है इस देश में वो कहीं रुकना चाहिए। इसके लिए मैंने 15 या 18 साल पहले मैंने एक बड़ी पदयात्रा की थी स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ। भाई सलमान खानच्या घरावर गोळीबार होतो, मुख्यमंत्री त्याला भेटायला जातात, हेच मात्र घोसाळकरांच्या बद्दल झालं नाही किंवा। महाराष्ट्र टीव्ही 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।